बच्चों, आज हम नया पाठ सीखेंगे। पाठ का नाम है रहस्य। इस पाठ में लेखक ने अंधविश्वासों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। आज भी गांवों, कस्बों में लोग भूत, प्रेत, चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण समाज विरोधी तत्व उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा गया था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक ज़मींदार का परिवार रहता था, अब ज़मींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। आर्यन करवटे बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा, वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है, यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी के साथ बैठकर मामा जी का फ़ोटो लिया, फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फ़ोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरा की तारीफ़ के फूल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में भी बिना फ्लैशगन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे, कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांककर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आँखों से आग बरस रही थी। आँखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुँह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज़ थी कि बड़ी आसानी से फ़ोटो लिया जा सकता था।
बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए। तो उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फ़ोटो भी आ गया है। असल में भूत ऊत की अफवाह है, कोई हवेली की तरफ ना जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। फिर कुछ रुककर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोहों ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है, डकैती इनका पेशा है, कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहा है आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा, दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए, उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गाँव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए, सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपिता के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। अभी पाठ में आए नए शब्द, शब्दार्थ, सन्नाटा, नीरव, शांति, समृद्ध, धनवान, बीचों बीच, मध्य भाग में, डकैती, लूटपाट, सरपट, तेजी से, सलाह, मशविरा, परामर्श, अफवाह, उड़ती खबर, राहजनी, रास्ते में लूटपाट, कपोल कल्पना, झूठी बात, कह कहे जोर की हंसी, उत्पात, उधम, उपद्रव, आतंक, दहशत, भय।